जय श्री कृष्णा राधे राधे बोलिए विष्णु भगवान की जय हो माता लक्ष्मी की जय हो एकादशियों का महत्व सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी जया एकादशी की कथा कर रसपान करने के बाद अर्जुन ने कहा हे पुनरिकाक्ष अब मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है इसके बारे में मुझसे विस्तार से कहिए कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर काम में विजय की प्राप्ति होती है इस एकादशी के महात्म्य के सुनने या पढ़ने से सभी पापों का अंत हो जाता है एक बार देवऋषि नारद जी ने जगतपिता ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मा जी आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत के बारे में और उसकी विधि के बारे में बताइए तब नारद जी जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, एकादशी का उपवास के पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा पर तुमसे कहता हूँ यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है अब श्रद्धा से इस एकादशी की कथा को सुनो जब त्रेता युग में श्री राम को चौदह वर्ष का वनवास मिला तब वह अपने भ्राता लक्ष्मण जी और देवी सीता के साथ पंचवटी में निवास करने लगे उस समय महापापी रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया इस दुखद घटना राम जी और लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु जी के पास पहुंचे जटायु जी ने उन्हें देवी सीता के हरण का पूरा वृतांत बताया तब भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर जटायु जी ने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया कुछ आगे चलकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बालिका वध किया श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी और राजा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया वहां से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और वहां उन्होंने अशोक वाटिका का सारा वृतांत हाल जानने के बाद श्री राम जी ने सुग्रीव जी की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया समुद्र किनारे पहुंचने पर जब श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों और मगरमच्छों से भरा देखा तब लक्ष्मण जी कहने लगे तब लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा हे hey भैया लक्ष्मण अनेकों मगरमच्छ और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे तब प्रभु श्री राम की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा हे hey आप तो आप तो पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं आपसे कुछ भी छुपा नहीं है यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य मुनि का आश्रम है वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वक्त ऋषि के आश्रम में गए उन्हें प्रणाम किया और ऋषि के सामने बैठ गए अपने आश्रम में श्री राम को आया देखकर महर्षि मह ने पूछा हे राम किस प्रयोजन से आपने मेरी कुटिया में प्रवेश किया आपके आने से मेरी कुटिया पवित्र हो गई। कृपा करके अपना प्रयोजन कहें प्रभु मुनि के वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा हे ऋषिवर मैं सेना के सहित यहाँ आया हूँ राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ कृपा करके आप मुझे समुद्र पार जाने का कोई उपाय बताइए यहाँ आने का मेरा यही प्रयोजन है श्री राम की बातें सुनकर महर्षि ने कहा हे hey राम मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ आपकी विजय होगी ये कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ जिसे करने से सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है जिज्ञासो होकर श्री राम ने पूछा इस पर महर्षि ने कहा हे hey राम फागुन महा के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी हे मर्यादा पुरुषोत्तम इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश, कलश को जल से भरकर और उस पर पांच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए सात अनाज और उसके ऊपर जो रखें उसके ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें स्वर्ण की ना हो तो चांदी की करें चांदी की ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य और नारियल से भगवान श्री हरि का पूजन करें सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी वहीं पर बैठे रहें और जागरण करें द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान से निवृत्त होकर वह कलश ब्राह्मण को दे दें हे hey दशरथ नंदन राम यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका ही वर्ण करेगी मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से रावण के ऊपर विजय प्राप्त की भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे है अर्जुन जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करता है उसकी दोनों लोकों में विजय होती है श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था जो तो इस व्रत का महात्म में पड़ता है या सुनता है उसी वाजपेयी की की होती है असली बात तो यह है कि भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूरी करता है श्री राम हालांकि भगवान विष्णु के अवतार थे किंतु अपनी लीलाओं के चलते और प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त इस व्रत को किया विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बनता है बोलिए विष्णु भगवान की जय हो माता लक्ष्मी की जय हो